मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं एक यूनिक प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज के लिए आज भी दुनिया भर में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। एलोपैथी हो या कोई अल्टरनेटिव थेरेपी, आज भी इसका कारगर इलाज ढूंढने की कोशिश जारी है। क्या ज़ायरोपैथी इसमें हमारी कोई मदद कर सकती है? आज हम ये जानेंगे इसी शो में, लेकिन उससे पहले लेट्स हैव अ लुक अबाउट व्हाट इज ज़ायरोपैथी। ज़ायरोपैथी वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है, और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेलबीइंग के लिए है। इस अनोखी थेरेपी के प्रिंसिपल्स और उपाय कारगर साबित हुए हैं। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं, और इनका एक ही उद्देश्य है कि भारत को स्वस्थ बनाना है, घर घर में ज़ायरोपैथी लाना है। तो दोस्तों, अब ज़ायरोपैथी कैसे हमारी मदद कर सकती है ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंट्रोल करने में, ये हम जानेंगे खुद ज़ायरोपैथी के जन्मदाता नरेश जी से। तो चलिए बिना देर करे उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार। ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपके मन में ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर कोई भी सवाल है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे ज़ायरोपैथी इसमें हमारी मदद कर सकती है, बस फोन उठाइए और इन नंबर्स पे कॉल करिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नरेश जी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद जरूर करेंगे। नरेश जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आखिर है क्या? अनुजा जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस मुख्य रूप से लोग ये समझते हैं कि ये घुटनों की समस्या है, लेकिन ये कंधे और कूल्हों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है जी। इसका मुख्य कारण है कार्टिलेजेस का घिस जाना। अच्छा। और कार्टिलेज घिसने से हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं जी, और दर्द काफी होने शुरू हो जाता है। नरेश जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस आखिर होता क्यों है और कौन से एज ग्रुप में ये ज्यादा देखा जाता है? अनुजा जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या 40 वर्ष की उम्र के बाद ही दिखाई देती है, लेकिन कई बार यंग लोगों में भी आज ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं जी। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे घुटने के बीच में कार्टिलेज होता है, दो हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज होता है वो घिसना शुरू हो जाता है, और कार्टिलेज घिसने के कारण आपस में हड्डियाँ टकराने लगती हैं, जिसके कारण भीषण दर्द शुरू हो जाता है, और इसमें आदमी का उठना बैठना चलना फिरना ये दुर्भर होने लगता है, और बहुत ही कष्टदायक स्थिति तैयार हो जाती है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब 40 इयर्स ऑफ एज पे होता है, क्या ये लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट होता है? कुछ तो लाइफस्टाइल पर आधारित है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, हमारे शरीर में एक लिक्विड बनता है जिसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अच्छा। ये साइनोवियल फ्लूइड 40 साल की उम्र तक बनता है, और उसके बाद ये बनना बंद हो जाता है। अच्छा। बाय नेचर। ओके ओके। अब आज की जो समस्या है वो ये है कि जिन तत्वों से ये साइनोवियल फ्लूइड हमारे शरीर में तैयार होता है उनमें उतनी ताकत नहीं है, या कहें वो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स नहीं है, जिससे कि 40 साल तक के बाद भी उसको सपोर्ट वो सपोर्ट कर पाए जी। इसके रिपेयर का उपाय उपलब्ध नहीं है। अच्छा। अधिकतर जब कोई भी पेशेंट इस समस्या को लेके जाता है डॉक्टर के पास या किसी भी मेडिसिन सिस्टम में, तो उसको पेन किलर या कुछ कैल्शियम की गोलियां दे दी जाती हैं। बिल्कुल। जिससे कि उसे टेम्परेरी राहत मिलती है, और पूरी तरह वो ठीक नहीं होता है। अच्छा। और धीरे धीरे करके ये घुटने के घिसने की जो समस्या है, कार्टिलेज खत्म होने की समस्या है, बढ़ती चली जाती है। लास्ट में आपको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है, और वो नी रिप्लेसमेंट भी बहुत सक्सेसफुल नहीं है। 100 में से एक या दो आदमी आपको कहेंगे कि हाँ उन्हें लाभ पहुंचा है। लेकिन अधिकतर लोगों की जो प्रॉब्लम है, दर्द की समस्या है, वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। वहीं की वहीं रहती है जी। ज़ायरोपैथी फूड सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशंस पर काम करती है जी। तो हम
ऐसा कॉम्बिनेशन देते हैं फूड सप्लीमेंट का जिसके जरिए कार्टिलेज दोबारा बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे कार्टिलेज बनने के बाद साइनोवियल फ्लूइड का रीजनरेशन शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद आदमी पूरी तरह घुटनों को स्वस्थ महसूस करता है और उसका दर्द पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जी दोस्तों, अगर आप भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द से परेशान हैं और ज़ायरोपैथी के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो बस फ़ोन उठाइए और इन नंबर्स पे कॉल करिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नरेश जी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नरेश जी, आप ही के एक पेशेंट से हमारी मुलाकात हुई थी और वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस से बहुत पीड़ित थे और उनको ज़ायरोपैथी से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो देखें कि उनको क्या कहना है इस बारे में। मेरा नाम सुशीला शर्मा है, मैं शालीमार बाग से आई हूँ। मुझे 2 साल पहले मेरे एड़ियों में, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था और मुंह में बड़े बड़े छाले थे। फिर मुझे मेरे रिलेटिव ने मुझे नरेश जी से मिलवाया और उस मेरे सप्लीमेंट उन्होंने लिखी। उसके बाद मैंने 3 महीने के बाद धीरे धीरे मुझे आराम होने लगा और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नरेश जी, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर और दैट्स रियली अमेजिंग। आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब ये मेरे पास आए थे तो मेरा जो ऑफिस है वो 1st फ्लोर पर है और इनको वहाँ तक आने में बहुत तकलीफ हुई थी। 1st फ्लोर तक? जी, लगभग 5-7 सीढ़ियाँ हैं, वो अच्छा भी चढ़ना मुश्किल हो गया था इन्हें, क्योंकि उस दिन अकस्मात लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और इनको सीढ़ियाँ चढ़कर वहाँ तक पहुँचना पड़ा, तो बहुत दर्द में थे जी। और आज ये पूरी तरह स्वस्थ हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, इट्स रियली ग्रेट। यहाँ पे मैं ये जानना चाहती हूँ नरेश जी कि क्या इस केस में सर्जरी से बचा जा सकता है, उसे अवॉइड किया जा सकता है? अनुजा जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें पूरी तरह सर्जरी से बचा जा सकता है। ओह ग्रेट। और कई बार ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जहाँ ऑलमोस्ट यदि एक्सरे में हम देखें तो हड्डियाँ ऑलमोस्ट चिपक चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी सप्लीमेंट्स ने काम किया है और कॉम्बिनेशन ने उनके घुटने वापस नॉर्मल किए हैं। तो बहुत से ऐसे लोग, अधिकतर लोग हमारे पास तभी आते हैं जब उन्हें सर्जरी रिकमेंड कर दी जाती है, और इस डर के कारण, क्योंकि वो सर्जरी का अनुभव ले चुके होते हैं, लोगों से पूछ चुके होते हैं, तो इस डर के कारण कि सर्जरी करवाने से भी फायदा नहीं है, वो हमारे पास पहुंच जाते हैं यदि उन्हें सही लिंक मिलती है तो। बिल्कुल बिल्कुल। नरेश जी मुझे बताइए कि जो हमारे पूरा ट्रीटमेंट है ज़ायरोपैथी का, इसमें कितना समय अप्रॉक्सीमेटली लग जाता है? अनुजा जी, ये निर्भर करता है कि किस लेवल का डैमेज हुआ है घुटनों में जी, और यदि डैमेज लेवल थोड़ा कम है तो 2 से 3 महीने में ही राहत मिल जाती है, और यदि बहुत लंबा 10 से 15 साल पुरानी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो कहीं भी 8 से 9 महीने का समय लगता है। 8 से 9 महीने जी। नरेश जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह आपने कंट्रीब्यूशन किया है ज़ायरोपैथी के थ्रू, बहुत लोगों को आराम मिल रहा है, हमने अभी जस्ट देखा टेस्टिमोनियल में, और बहुत लोगों को आराम मिलता रहेगा इन फ्यूचर। वी आर रियली होपफुल फॉर दैट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं और ज़ायरोपैथी के बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस होता है, कब तक इलाज होता है, क्या किया जाता है, तो बस इस एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें। ज़ायरो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पालामेरिया, न्यू दिल्ली 110045। हमारे नंबर्स हैं 09313741870 और 09310741871। हमारी ईमेल आईडी है kamayaninaresh@yahoo.com। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zyropathy.com। फ्रेंड्स, ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी इज मेंट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी ह्यूमन बीइंग। बस आप भी एक अच्छी लाइफ अनुभव करें, हम यही दुआ करते हैं। हमसे जुड़े रहिए, खुश रहिए और तंदुरुस्त रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.